दोस्तों, JNU में पढ़कर वामपंथी, दक्षिणपंथी नेता नौकरशाह सब बने हैं। छात्र राजनीति के गढ़ माने जाने वाले इस संस्थान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है। आमतौर पर इसे वामपंथ का गढ़ माना जाता है, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि यहाँ लेफ्ट के अलावा निर्दलीय, फ्री थिंकर, समाजवादी और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोग भी छात्र संघ में चुने गए हैं। यहाँ से पढ़े गए छात्र लेफ्ट पार्टियों में भी है और BJP में भी, सरकार में भी है और विपक्ष में भी, दूसरे देशों में डिप्लोमेट में भी है और राजनेता भी। नोबल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी भी JNU से पढ़े हैं। इस यूनिवर्सिटी को वर्ष 2017 में राष्ट्रपति की ओर से सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ विदेशी छात्र भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए JNU से पढ़े उन लोगों पर नजर डालते हैं जिन्होंने भारत सहित अपने अपने देशों का नाम रोशन किया। लेकिन उन्हें जानने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार में JNU के छात्रों की। इस समय केंद्र सरकार में सबसे बड़ा महिला चेहरा निर्मला सीतारमण का है। वो पिछले कार्यकाल में रक्षा मंत्री का भी पद संभाल चुकी है और इस समय वित्त मंत्री है। उन्होंने JNU से इकोनॉमिक्स में MA किया है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने JNU से इंटरनेशनल रिलेशन में PhD की है। मोदी सरकार में मंत्री रही और वर्तमान में BJP सांसद मेनका गांधी ने JNU से जर्मन भाषा की पढ़ाई की है। अब बात करते हैं JNU से पढ़े विपक्षी नेताओं की। राज्यसभा सांसद रहे NCP के महासचिव DP त्रिपाठी JNU स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने यहाँ से इकोनॉमिक्स में MA किया है। प्रकाश करात भी यहाँ से पढ़ चुके हैं। बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने भी यहाँ से पढ़ाई की है। दलित नेता उदित राज और अशोक तंवर भी यहाँ से पढ़ चुके हैं। स्वराज इंडिया के प्रमुख और चुनाव शास्त्री योगेंद्र यादव भी यहाँ से पढ़ चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मशहूर विदेशी जिन्होंने JNU से शिक्षा ली है। अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी अब्दुल सैतार मुराद भी यहाँ पढ़ाई कर चुके हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने यहाँ पढ़ाई की है। कुछ दिन पहले भट्टाराई ने कहा कि उन्हें इस संस्थान में पढ़ने पर गर्व है। उन्होंने अपनी बेटी का भी दाखिला यहीं करवाया है। एतिहाद एयरवेज के चेयरमैन अहमद बिन सैफ अल नहयान भी यहाँ पढ़ चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं JNU से पढ़ने वाले नामचीन नौकरशाहों की। नीति आयोग के CEO सीनियर IAS अधिकारी अमिताभ कांत ने JNU से MA किया हुआ है। रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी ने यहाँ पढ़ाई की है। IB चीफ रहे सैयद आसिफ इब्राहिम ने भी JNU से MA किया है। बोडो उग्रवादी की नाक में दम करने वाली IPS संयुक्ता पराशर ने JNU से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री ली है। किसी राज्य के CM की पहली महिला सुरक्षा अधिकारी सुभाषिनी शंकर ने भी यहाँ पढ़ाई की है। यह महिला IPS की सुरक्षा अधिकारी है। सोशल मीडिया में छाए रहने वाले IAS दीपक रावत ने JNU से इतिहास में MA किया हुआ है। वो इस समय उत्तराखंड में तैनात है। बिहार के IPS अधिकारी मनु महाराज ने JNU से एनवायरमेंटल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। नीदरलैंड के राजदूत वेणु राजमणि ने यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन में MA किया है। यही नहीं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर अरविंद गुप्ता ने JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से PhD की है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ खास शख्स जिन्होंने JNU में पढ़कर देश का नाम रोशन किया। आप JNU के बारे में क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब करें।